सबसे पहले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। तो भैया कौमी क्रिकेट टीम के मायनाज बल्लेबाज हारिस सुहेल ने कहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच बहुत अच्छा होगा और शायकीन को अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। मोराल बुलंद करने के लिए सिर्फ एक अच्छी कारकर्दगी की जरूरत होती है। अगर टीम को जरूरत पड़ी तो बॉलिंग भी करूँगा। वीडियो में मजीद आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन पर लाजमी प्रेस करें। शुक्रिया। तफसीलात के मुताबिक लीड्स में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए हारिस सुहेल ने कहा कि अफगानिस्तान को आसान हरीफ नहीं लिया जा सकता। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच बहुत अच्छा होगा और शायकीन को अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। अफगानिस्तान के स्पिनर्स अच्छे हैं, उनकी वीडियोस देखकर काम किया है। अगर टीम को जरूरत पड़ी तो बॉलिंग भी करूंगा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में अच्छी फॉर्म थी और अब प्लान के मुताबिक खेल रहा हूँ, जबकि मुझे चौथे और पांचवें नंबर पर रोल दिया गया है। उन्होंने कहा कि कभी परफॉर्मेंस की वजह से बाहर नहीं हुआ और जब भी मौका दिया गया 100% कारकर्दगी देने की कोशिश की। सर्जरी के बाद फिटनेस पर काबू पाया। उनका मजीद कहना था कि वर्ल्ड कप में सूरत हाल के मुताबिक खेल रहा हूँ, इसलिए मेरे स्टाइल में भी तब्दीली नजर आ रही है। बाबर आजम के साथ खेलने में बहुत आसानी महसूस हुई और फिर जारहाना खेल शुरू किया। तो भैया ये थी हारिस सुहेल के हवाले से कुछ अपडेट। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। इस अपडेट के मुताबिक अपनी राय का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखे। शुक्रिया। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।